स्टीम टेबल में आई थिंक आप लोगों ने स्टीम टेबल डाउनलोड कर लिया। सत्यम यादव, आपने स्टीम टेबल डाउनलोड कर लिया? भाई सत्यम, मेरे को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कहाँ से डाउनलोड किया? अरे भाई कहाँ से डाउनलोड किया ये भी तेरे को याद नहीं है? वेरी गुड, बस यही तो पूछ रहा था मैं, क्योंकि जितना तुम लेट बोलोगे उतना मुझे लगेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। चलिए ठीक है, तो स्टीम टेबल डाउनलोड अगर आपने कर लिया है तो कुछ चीज़ें मैं आज आपको बेसिक समझा देता हूँ, क्योंकि ये बेस अगर आपके पास रहेगा ना तो आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, मेरे ख्याल से ये दिख रहा है ओपन स्पेस, मैंने यहाँ पे पेंट किया। देखो यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज़ों से रोल प्ले करना है, सबसे पहला क्या है भाई? इंथैल्पी, जो एच डिनोट करता है, इंट्रोपी जो एस डिनोट करता है, और गाइनस फ्रैक्शन जो एक्स डिनोट करता है, बराबर है? अब जब तुम इंथैल्पी के बारे में पढ़ोगे तो इंथैल्पी को इन्होंने तीन चार नोटेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला नोटेशन है एच एफ, जिसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्लूड, या कुछ लोग इसको सेंसिबल हीट भी बोलते हैं। और सेंसिबल हीट का मतलब मेरे ख्याल से आपको याद होगा, हम बोलते हैं जो सेंस किया जा सकेगा उसको हम सेंसिबल हीट बोलेंगे। दूसरा जो आता है वो होता है एच एफ जी, ठीक है? तो एच एफ जी क्या होता है भाई? तो इंथैल्पी ऑफ फ्लूड एंड गैस, कुछ लोग इसको लेटेंट हीट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है इंथैल्पी ऑफ एच जी, मतलब इसको बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ गैसेस, ठीक है? और अगर ये केस आ गया, मतलब यहाँ पे डाई एंड सेचुरेटेड का केस होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। और चौथा आता है एच सुपर, मतलब जब स्टीम जो है वो सुपर हीट हो जाएगा तब आपके पास इंथैल्पी जो होनी चाहिए वो एस हो, मतलब एच सुपर हो। अब आपको एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू जो है वो स्टीम टेबल में तीन फॉर्म्स में देके रखता है, ठीक है? एक लिखा होता है प्रेशर, दूसरा लिखा होता है टेम्परेचर। एक्चुअली टेम्परेचर सेचुरेटेड वर्ड के साथ डिनोट करता है ना। उसके बाद होता है एच एफ, उसके बाद एच एफ जी, उसके बाद एच जी, इसी के बाद वी एफ होता है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूड वी एफ, और उसके बाद होता है वी जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस। इसी के बाद इंट्रॉपी का टर्म्स चालू हो जाएगा, जहाँ इंट्रॉपी ऑफ एफ रहेगा, इंट्रॉपी ऑफ एफ जी रहेगा, इंट्रॉपी ऑफ जी रहेगा, और इंट्रॉपी ऑफ सुपर रहेगा। वो कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा, जहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ रहेगा, ठीक है? और दूसरा होगा जहाँ पे आपको टेम्परेचर गिवन होगा। ये दोनों वर्ड समझ के रखना ना, आइदर प्रेशर गिवन होगा या टेम्परेचर गिवन होगा। अगर आपके पास प्रेशर गिवन है तो आपने जो अपना स्टीम टेबल देखा होगा, तो स्टीम टेबल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो पहला स्टीम टेबल जो है, पहला स्टीम टेबल आपको ये देखिए, पहला स्टीम टेबल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है। मतलब अगर आपको 25, 30 या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे के रखा है तो उस बेसिस पे आपको वी एफ, उसके बाद वी जी, उसके बाद एच एफ, एच एफ जी, एच जी, मतलब इंट्रोपी भी दिया हुआ है, ठीक है? ये बात समझ में आई?
मतलब पहला जो जो आपके स्टीम टेबल में पास रहेगा वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रहेगा। अब टेम्परेचर वाला पार्ट जब खत्म हो जाता है तब इसके बाद वो प्रेशर वाला पार्ट क्रिएट करते हैं। ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर दिया गया, मतलब अब आपका जो क्वेश्चन रहेगा आइदर वो प्रेशर बेस्ड रहेगा या टेम्परेचर बेस्ड रहेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो इसी के बाद एक इसी के बाद आपके तीन फॉर्मूले काम करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने पूरी जिंदगी याद किया है तो वो बस याद रखो HFG, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट आपके पास गिवन दिया हुआ स्टीम टेबल में एक्स की वैल्यू अगर वन हो रही है मतलब डायन सेचुरेटेड है तो वो क्या होगा HF होगा प्लस HFG होगा, या स्टीम टेबल में जनरली HG की वैल्यू दे के रखा है इसलिए आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा फॉर्मूला दिखा हुआ है सुपर के साथ, तो सुपर के साथ जो फॉर्मूला है वो है HG प्लस T सुपर माइनस T सैचुरेटेड इंटू CPS, ठीक है। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली पार्ट है, याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन लिखा रहेगा क्या टी तो वो टी सुपर की वैल्यू होगी, ठीक है। जो भी गिवन में दिया होगा वो टी सुपर की वैल्यू होगी और टी सैचुरेटेड जो है वो आपको आपको स्टीम टेबल में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। अब पूछोगे कैसे, तो स्टीम टेबल जब आप देखे जिसमें आपका टेम्परेचर वाला पार्ट आया सॉरी प्रेशर वाला पार्ट आया, ये देखो आपने ये प्रेशर देखा तो इसके बाद में जो ये टेम्परेचर दिया हुआ है ना ये टेम्परेचर एक्चुअली टी सूप दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। मतलब टी सैचुरेटेड दिया हुआ है तो वहाँ पे मान लो अगर 70 दिया हुआ है और गिवन में आपको 100 दिया हुआ है तो आपको समझना है कि 100 में से 70 माइनस करना, ये न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में है। यही फंडा एज इट इज जैसा आपने इंथैल्पी के टर्म्स में पढ़ा है वैसे ही आपको एंट्रोपी के टर्म्स में भी पढ़ना है, ठीक है। एंट्रोपी के टर्म्स में पढ़ोगे तो क्या होगा, पहला एस इज इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स इंटू एस एफ जी, दूसरा होगा एस जी इज इक्वल टू एस एफ प्लस एस एफ जी, और तीसरा एस सुपर इज इक्वल टू एस जी प्लस टी सुप माइनस टी सैचुरेटेड इंटू सी पी एस। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके चलिए अब इसी के आगे चलते हैं। इसके आगे अब जब आप स्टीम टेबल की बात करेंगे, ठीक है, तो स्टीम टेबल में कुछ चीजें आपको दी हुई रहती हैं और कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो एक कार्नोट का एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। तो कार्नोट का आपको याद होगा कि हमारा जो फिगर है वो कुछ इस बेसिस में बनता है, बराबर है। चलिए अगर इस बेसिस को आप देखे होंगे तो यहाँ पे जो है एक्चुअली ये TS डायग्राम है ना, टी और ये S डायग्राम, तो आपको ये पता चलता है कि 1, 2, 3 और अगर ये 4 है तो मुझे ये पता चला कि S2 इज इक्वल टू S3 होगा, बराबर है। इसी तरीके से S1 इज इक्वल टू S4 होगा, तो केस ये कहता है कि S2 कितना होगा भाई, कोई बताएगा मुझे S2 कितना होगा भाई लोग, कोई सुन रहा है क्या इस लेक्चर को? हेलो सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो कोई बताएगा कि ये जो 0.2 नंबर है ये एक्चुअली कौन सा पॉइंट है? तो
जब आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पता होगा कि हम एक एक मतलब एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं कि जहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये हम लोग बोलते हैं वेपर नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड होता है। मैं नाम याद नहीं है मेरे को, वो बस नाम वो बता देना। मतलब इस तरफ में आप आओगे ना तो ये पूरा का पूरा लिक्विड रीजन रहेगा, लेकिन आप जैसे इस तरफ आ जाते हो तो ये वेपर रीजन हो जाएगा। क्या ठीक है? तो ये क्या हो गया गाय, इसको वेट रीजन बोलते हैं। चलो ठीक है, गाय सैचुरेटेड लाइन। ठीक है, गाय सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे लाइन होती है। तो स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यहाँ पे जो रहेगा वो पूरा का पूरा स्टीम जो है वो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा। अगर इस लाइन में है तो वो पूरा का पूरा लिक्विड लाइन है। मतलब ये लाइन मतलब इस तरफ की बात कर रहा हूँ ना मैं, और इस तरफ की बात कर रहा हूँ। और ये जो बीच का रीजन है यहाँ पे वो ड्राई एंड वेट दोनों रीजन में होगा। मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये बात आपको पता है? नहीं पता तो याद कर लीजिए कि ये जो अंडरलाइन पार्ट रहेगा यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस जगह पे ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा और धीरे 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 कम होता जाएगा। और जैसे इस लाइन पे आ जाएगा मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो मैं अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये पता चल गया कि H2 इज इक्वल टू Sg के इक्वल होगा। हाँ कि ना? ठीक है, चलिए। अब अगर Sg के इक्वल हो गया तो मेरे पास Sg की वैल्यू पता है, Sg ऑफ 2 पॉइंट ना, तो मुझे अब S3 फाइंड आउट करना होता है। तो S3 फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको पहले X3 फाइंड आउट करना होगा। तो X3 कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इस पार्ट पे मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, ये S3 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा। अब वो टेम्परेचर पे मान लो ये T3 दिया हुआ है और ये T1 दिया हुआ है, तो T3 के टर्म्स में आपका HF की वैल्यू क्या है वो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन होगी। प्लस अब जो आपको निकालना है वो आपका X3 है तो वो मेरा अननोन ही रहेगा, और प्लस SFG सेम स्टीम टेबल से आप निकाल लोगे। मतलब आपको को ये नोन है, आपको ये नोन है, आपको ये नोन है, तो आप इससे S3 निकाल लोगे। आप पूछोगे सर X3 क्यों निकालो? क्यों? क्योंकि आपके पास जो पूरा स्टीम टेबल है, मतलब जो आपने इफिशेंसी का फॉर्मूला लिखा था, वो इफिशेंसी का फॉर्मूला कोई मेरे को याद दिलाएगा? इस फिगर को देख के बोल सकता है कोई क्या? इस ना भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कार्नोट के डायग्राम को देख के कोई मुझे बता सकता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? इससे ये पता चलता है कि आप लोग गेट के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, भाई आपकी लाइफ है। इसका फॉर्मूला है H2 - H3 अपॉन H2 - H1। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि मुझे जो डिफरेंट वैल्यूज हैं कौन सी, enthalpy 1, enthalpy 2 और enthalpy 3 फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H2 की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, इसकी यूज करते हैं। सबसे पहले मैं H2 की वैल्यू निकाल लूँगा। चलिए बताइए कोई, H2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? क्या बात है भाई, कौन बोला? वाह यार, वेरी गुड, कौन बोला? अरे नाम तो बता। आई थिंक ये देवेश की आवाज है सर।
क्या बात है बेटा, बहुत आगे तू जाएगा। एच टू की वैल्यू जो है वो एच जी टू के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है इस लाइन पे डायनेस फ्रैक्शन वन होता है और ये लाइन पे टकरा रही है, तो मेरे को स्टीम टेबल में एच जी टू दिया होगा ऑलरेडी, सी बात है। चलिए, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एच वन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बताइए किसके? किसी ने बोला एच जी फोर। और कोई उम्मीदवार है? चलिए, ये आंसर गलत है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वहां पे मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे भाई। क्वेश्चन जो है ना वो आपके मिक्स मार्क्स में 2 मार्क्स बढ़ा देगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1 गिलास वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी कंडीशन नहीं है, बस 1 गिलास वाटर है। तो आप अगर ये 1 गिलास वाटर में मेरे को ये पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मुझे बताइए कि क्या होगा एक्स की वैल्यू। मिड्स एंड 2 मार्क्स प्लस, आंसर दीजिए और लेके चलिए। गेस कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कि भाई भाई 1 मिनट ना, अब आप अपना नाम भी बताते चलिएगा। आई थिंक रोहन ने 1 बोला। क्या? भाई मेरे ख्याल से जोर से बोलो यार। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके सामने जो मोबाइल है ना, मोबाइल की जगह पे मैंने 1 गिलास वाटर रख दिया है और उसके साथ कोई केसेस नहीं है, बस सिंपल 1 गिलास वाटर है, बराबर। अब मुझे इस वाटर का ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो उस वाटर का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा? वेरी गुड। एक ने बोला 1, एक ने बोला 0.9। वेरी गुड। आई थिंक 0.9 बोलने वाला कौन है भाई, नाम बताओ अपना। सत्यम। ओके, नेक्स्ट वन। कोई और अप्लाई करना चाहता है कुछ रूल्स? आई थिंक किसी ने 0 भी बोला था। भाई क्या नाम है आपका 0 वाले? ध्रुव। ओके, और कोई क्या बोल रहे हैं? ध्रुवेश। ओके, और कोई बताइए, और कोई क्या करना चाहता है? अच्छा देवेश, अब बराबर बोले ना भैया। अब बोलो भैया, और कोई क्या करना चाहता है? और कोई ट्राई करना चाहता है? चलिए, कोई नहीं ट्राई करना चाहता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0, ठीक है, क्योंकि इसमें जब मैंने आपको पहले बोल दिया कि 1 से इस तरफ, मतलब ये जो पॉइंट है, मैं ये क्रॉस लगा रहा हूँ ना, और क्रॉस से जब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये पूरा का पूरा लिक्विड पार्ट है, यहाँ वेपर एग्जिस्ट ही नहीं करता है और इस तरफ में वेपर ही वेपर होते हैं। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो एक्स की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मुझे बताइए H1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। भाई जिसने 0 बोला था, आप अपने अटेंडेंस के साथ मुझे बताइएगा ना, मैं आपके 2 मार्क्स एंट्री कर दूंगा। तो H1 की वैल्यू क्या होगी, कोई गेस करेगा? क्या बात है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है HF के बराबर हो जाएगी।
ठीक है, मतलब आपने H1 निकाल लिया, आपने H2 निकाल लिया, अब H4 की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर H4 की बात करोगे तो आपको ये पता है H3 से H4 तक जाते जाते पूरा का पूरा कंडेंस हो जाता है, मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, तो H4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? H4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अरे भाई अभी आपने आंसर दिया यार, ले ना भाई अभी आपने आंसर दिया, गलत है, HF के बराबर ही रहेगी, बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो रहेगा वो T1 के बेसिस पे रहेगा और यहाँ पे जो रहेगा वो T4 के बेसिस पे रहेगा, तो वो HF4 के इक्वल हो जाएगा। जो सबसे टफ वाला जॉब था वो था H3। अब आपको H3 निकालना है, तो H3 निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है HF3 प्लस X3 इंटू HFG3, बराबर है। अब देखो ये और ये वैल्यू तो आपके पास नोन दी हुई है, मगर ये अननोन है, ये अननोन है, इसलिए आपने इतनी मगजमारी की है। तो ये अननोन को आप कहाँ से निकालोगे? तो पहले H2 = SG लिखोगे और फिर SG2 = SF3 + X3 × SFG। अब यहाँ से आप X3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आप वो यहाँ पे रख के H3 की वैल्यू फाइंड आउट करके अल्टीमेटली अपना एफिशिएंसी निकाल लोगे। इतनी सारी बातें समझ में आई? हाँ बोलो ना। बराबर है, तुम क्वेश्चन पूछो कि बता रहे हो? हेलो, अच्छा कंफर्म कर रहे हो, एक बार फिर से रिपीट करोगे क्या बोला आपने? देखो हाँ मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब आप ये पीवी मतलब टीएच डायग्राम पढ़ोगे ना, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक ये पॉइंट हुआ, मतलब वो जो ट्रिपल पॉइंट आप जो बोलते हो ना, एक्चुअल मीनिंग मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं वो तुमको कल नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो जब तुम यहाँ वाली बात पे आ जाते हो तो मैं क्या बोला, ये जो लाइन मैंने खींचा, देखो ध्यान से देखना, ये वो लाइन है जो कि इस तरफ वाला पार्ट जो रहेगा ना वो पूरा का पूरा लिक्विड पार्ट रहेगा, मतलब आपने एक तपेली में जो पानी लिया ना, ये अभी केवल वो पानी है, बराबर। अब ये पानी को मैंने क्या किया, हीट करना चालू किया और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पे पहुंचाया, क्योंकि 100 डिग्री के बाद ही वो बॉयल होना चालू होता है, तो हमने 100 डिग्री पे पहुँचाया। तो 100 डिग्री पे जब पहुंचाएंगे तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है कौन सा, H = HF + X × HFG, वो इस जगह पे एग्जिस्टिंग में रहता है, ठीक है। तब मैं भी एक मोटी लाइन एक और, हाँ चलो मैं ब्रश का यूज कर रहा हूँ और मैं आपको फिर से ये बोल रहा हूँ कि मैं जब यहाँ से ये लाइन खींच रहा हूँ ना, ये देखो ये जो लाइन खींच रहा हूँ ना, इस जगह पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 0 होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है ये इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड की वैल्यू दिखा रहा है, बराबर। चलिए अब जब तुम इस तरफ आते हो, इस क्रॉस के इस तरफ आते हो, तो यहाँ पे क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो गई। अब अगर जैसे 1 के इक्वल हो गई तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, तो ये वाले पार्ट में वो इंथैल्पी जो है वो HG के इक्वल हो जाएगी, मतलब मैं केवल इस पाथ की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे H = HG के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे H = HF के इक्वल हो जाएगा,
और इस बीच में जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब आपका एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आपको ये इंथैल्पी का फॉर्मूला यूज करना है। तो जो आपने अब मेन फिगर पढ़ा मतलब जो आपने फिगर पढ़ा है उस फिगर को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो कार्नोट की वजह से मतलब कार्नोट क्यों फेल हो रहा था वो भी आपको आइडेंटिफाई होगा। ये देखो कार्नोट ने बोला कि मतलब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो एक्चुअली एच वन इज नॉट मतलब एच वन की वैल्यू एच एफ वन के इक्वल होगी क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है ये इस जगह पे है इसलिए बराबर है, लेकिन यहाँ पे एच फोर की वैल्यू आपको फिर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स फोर एग्जिस्टिंग में होता है और वो रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे आपको एक्स फोर निकालना पड़ेगा और एक्स फोर निकालने के लिए सेम मेथड फॉलो करोगे कि एस वन इज इक्वल टू एस जी के सॉरी एस एफ के इक्वल हो जाएगा एस एफ वन के एंड एस वन इज इक्वल टू एस फोर हो जाएगा और एस वन इज इक्वल टू की जगह पे एस एफ वन लिख दोगे और ये एस फोर की जगह पे एस एफ फोर प्लस एक्स फोर इंटू एच एफ जी फोर के इक्वल हो जाएगा। मतलब जनरली इन मतलब जब तुम आगे पढ़ोगे कार्नोट ने पढ़ाया, कार्नोट ने क्या बोला ये यहाँ रुक नहीं रहा है, ये क्या है आगे तक जा रहा है क्योंकि तो उसको लिक्विड ही चाहिए क्योंकि तो हमने यहाँ पे पंप लगा कर रखा है और जो पंप प्रेशराइज करता है और उसके बाद मूव कराता है। ये आपका रैंकाइन साइकिल हो गया और ये आपका कार्नोट साइकिल हो गया। तो कार्नोट के बेसिस पे जाओगे तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों हैं और ये वेपर जो है वो मतलब कंप्रेसर के थ्रू ऊपर चला जाएगा, लेकिन लिक्विड का क्या उसने कुछ भी नहीं बताया। इस वजह से भी कह सकते हो कि कार्नोट यहाँ पे फिल हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको लगभग लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। इस बेसिस पे आज केवल एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार बता रहा हूँ, इस पूरे अगर तुम मतलब थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे ना तो थर्मोडायनेमिक्स को उन्होंने दो तरीके से मतलब जब पावर प्लांट में आओगे तो पावर प्लांट को उसने दो तरीके से सॉल्व किया होगा। सबसे पहला पार्ट है उसने लिया, सबसे पहला उसने लिया जिसको उसने ये एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। एनालिटिकल मेथड बहुत लंबा होता है और दूसरा है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल में उसने क्या किया तो वो उसने मोलियर चार्ट यूज़ किया और मोलियर चार्ट के बेसिस पे सॉरी ये वाइन है ना मोलियर चार्ट के बेसिस पे उसने बस टेंटेटिवली वैल्यूज निकाली और कैलकुलेट कर लिया। तो एनालिटिकल में आपको एक एग्जैक्ट आंसर आएगा कि 72.19 आपका आंसर है और मोलर चार्ट के हेल्प से यूज़ करोगे तो ये समथिंग 71.2 भी आया। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, 72.19 अगर परसेंटेज आ रहा है तो इससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये एग्जैक्ट आंसर है जो एनालिटिकल रहा है, लेकिन मोलर से आओगे और मोलर बोलेगा कि 71.2 है तो ये दोनों को उन्होंने कंसिडर किया है दोनों टू वैल्यू हैं। क्यों? क्योंकि 5% प्लस माइनस ऊपर या नीचे दोनों लोग कंसिडर कर लेते हैं। मतलब अगर किसी बुक में अगर आपका आंसर मिसमैच हो रहा है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, अगर 5% ऊपर नीचे अगर इससे ज़्यादा है तब आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो मैंने जो आपको अभी बताया ना ये पूरा का पूरा एनालिटिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड अभी आपके पास आया नहीं है। चलिए अब अपन एनालिटिकल मेथड के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैनडक सर आपको मैं कुछ बोलूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे, वो फाइल मैंने बहुत प्यार से बनाई थी तो पहले तो मेरे को गुस्सा आया कि मैं ये फाइल उनको क्यों दिया और उन्होंने अल्टीमेटली आपको सौंपा है तो भाई
दूसरे की चीज़ों की रिस्पेक्ट करो यार, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक्चुअली मैं अल्टीमेटली उसको फाड़ के फेंक देता क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं फेंका क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा आप वो हाँ पता नहीं भाई भाई मैं अभी ईजी पढ़ा नहीं रहा हूँ तो वो मेरी है नहीं, लेकिन वो फिर भी यहाँ रखी हुई है तो मुझे नहीं पता, तो आप बुरा नहीं मानो लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि यार गलत बात है। हेलो नेटवर्क